हेलो दोस्तों, सिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज मंडे के लिए हमारा प्लानिंग क्या रहेगा, हम क्या करेंगे उसमें। ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है तो कैसे हम देख काम करना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी को फ्राइडे में क्या हुआ था। तो जैसे आपने देखा होगा कि थर्सडे को जो मार्केट गिरा, उसके बाद फ्राइडे को बहुत जोर से मार्केट ने गैप डाउन किया था, बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और पहले आधे घंटे का मार्केट ने मूवमेंट डाउन किया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन हुआ। ये कुछ ज्यादा बड़ा अप ट्रेंड की बात नहीं करना है यहाँ पे, ये मार्केट ने जस्ट कंसोलिडेशन किया हुआ है। तो ये जो गैप अभी यहाँ पे मार्केट ने बना के रखा हुआ है, ये गैप फिल करने को मार्केट एक बार यहाँ पे आ सकता है और उसके बाद फिर मार्केट वापस नीचे जाएगा। तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट कहाँ तक आएगा, या तो ये ऊपर ऊपर आते हुए अप ट्रेंड, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये खत्म करके मार्केट अप ट्रेंड में कब शिफ्ट होगा, ये दोनों का आंसर हमें चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास लेवल क्या है, देखो कि मार्केट अगर गैप फिल करने के लिए आएगा तो 17,568 से लेके 17,623 ये रेंज में मार्केट में आएगा मूवमेंट। यहाँ पे हमारे एक बार वापिस सेलिंग आएगा, यहाँ से मार्केट वापिस नीचे जा सकता है। लेकिन अगर 17,665 के ऊपर मार्केट चला जाता है तो फिर मार्केट में अप ट्रेंड आ जाएगा। ये जो मार्केट का गैप फिलिंग था ये खत्म होकर मार्केट 17,665 के ऊपर अगर जाता है तो अप ट्रेंड में जाएगा, तो हम वहां पे खरीदने की कोशिश करेंगे। ये प्रोसेस, ये गैप फिल करने की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मार्केट जब ओपन हुआ 10 तारीख को, तो पहले आधे घंटे का जो भी मार्केट ने मूवमेंट बनाया हुआ था, जो भी लो बनाया था, वो लो दिन भर में ब्रेक नहीं हो पाया। इसी का मतलब क्या है कि ये जो गैप डाउन हुआ है, ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसी को मार्केट अभी यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा, इसे फिल करने की कोशिश करेगा और वापिस एक बार नीचे आएगा। तो वो जब यहाँ पे फिल करेगा तो हम ये रेंज में शॉर्ट सेल करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे। मतलब अगर ऑप्शन में काम करना है तो 17,600 का पुट खरीदेंगे, और अगर मार्केट 17,665 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर 17,700 के कॉल में हम काम करेंगे, बाइंग के साथ हम बात करें। तो ये प्रोसेस हमें करना है। और जब ये मार्केट, ये जो लो है आज, मतलब फ्राइडे का जो पहले आधे घंटे का जो लो बना हुआ है, वो अगर एक बार ब्रेक कर देता है तो फिर गैप फिल करने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और फिर वहां से मार्केट वापस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, या तो नया लेवल निकाल के उसके बाद मार्केट में बाइंग सेलिंग कहाँ पे आ सकती है वो प्रोसेस हमें वहां पे निकालना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे आज के लिए 17,665 जब तक ऊपर नहीं जाता है तब तक निफ्टी में अप ट्रेंड नहीं है, तब तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अगर मार्केट तो बीच में आता है तो कहाँ पे सेलिंग करना है वो प्रोसेस हमने देखा हुआ है। अभी देखो बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो निफ्टी बैंक में जब यहाँ पे देखा होगा आपने, थर्सडे के बाद जब फ्राइडे को गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन होने के बाद जो पहले आधे घंटे का मूवमेंट था, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में डिफरेंस देखो, तो पहले आधे घंटे का मूवमेंट निफ्टी में ब्रेक हुआ ही नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में जो मार्केट ने कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन बाद में जब लास्ट के आधा घंटा चल रहा था तो लगभग 2:15 के बाद पहला आधे घंटे का जो भी लो था मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया है, नया लेवल ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे ये फिल करने का वेट करने की जरूरत नहीं, जो हमेशा बोलते कि गैप बनने के बाद या तो मार्केट इसे फिल करने के लिए आता है या तो नहीं आता है, तो वो अंडरस्टैंड कैसे करना वो प्रोसेस हमने यहाँ पे बताया आपको। और अभी देखो अगर आपने ये निफ्टी का लेख लिया तो अभी बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में अभी जो सेलिंग रेंज रहेगा 40,378 से लेके 40,546 इसके बीच में हमें सेलिंग करना है। और अगर पुट में काम करना है तो 40,500 के पुट में काम कर लेना है। वही चीज अगर मार्केट कोई भी रीजन की वजह से अगर 40,671 के ऊपर जाता है तो मार्केट में एक बार अपट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा, यहाँ पे सीधा बाइंग आएगा, तो 40,700 का जो कॉल रहेगा उसमें हम काम कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी के लिए हमें लेवल फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये रेंज ब्रेक हो चुका है तो आपको लेटेस्ट यही का लेवल, यही पे बाइंग है तो सेलिंग होने वाला है, तो रेंज आपको मिल जाएगा। निफ्टी के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि वो गैप अभी भी मार्केट में क्लियर नहीं हुआ है। तो ये प्रोसेस आज के लिए हमें यहाँ पे देखना है, तो इस सबसे मार्केट में हमें काम करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है, और वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।